हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैर से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस ओरियो मिल्क शेक की रेसिपी। बच्चे हों या बड़े, सबका ही ये फेवरेट है और बहुत ही डिलीशियस बनता है बहुत ही इजी वे में और झटपट तैयार हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओरियो शेक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 पैकेट ओरियो के। ये ओरियो जो हैं वो सिंपल ओरियो मिलते हैं, फ्लेवर्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ओरियोस ले लिए हैं। और ये मैंने 2 सैशे ले लिए हैं। अब मैं एक ब्लेंडर जार में ओरियोस के जो भी पीसेस हैं उनके पीस करके डालती जाऊंगी। 2-3 पीसेस में तोड़ के डाल दीजिएगा, इससे ब्लेंडर होने में आसानी हो जाएगी। तो ये हम डाल देंगे 2 सैशेस। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर 1/2 कप के से भी थोड़ा कम। अभी इसमें हम ऐड करेंगे, ये एक डेरी मिल्क मैंने ले लिया है। आपके पास डेरी मिल्क ना हो, कोई और चॉकलेट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ढेर सारी आइस डाल देंगे। अगर मिल्क शेक ठंडा ना हो तो फिर मज़ा ही कैसे आएगा। और इसके ऊपर हम डाल देंगे आइसक्रीम। इसके मैंने वनीला आइसक्रीम के मैंने 3 स्कोप जो है वो मैंने इसमें डाल देने हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप दूध के। और बस यही सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें जाएंगी। अब हम इसे कवर कर देंगे और लिड लगा कर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड आपने इसे बहुत अच्छी तरह से करना है, इतना कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बिल्कुल भी इसमें क्रम्स नहीं रहना चाहिए। फटाफट से 2 मिनट में ही ये ब्लेंड हो जाएगा और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, ग्लासेस में सर्व कर लेंगे। इससे 3 ग्लासेस की अच्छी तरह से सर्विंग हो जाती है। ऊपर से थोड़ा सा कोको पाउडर का हम टच दे देंगे, हल्का सा इसके ऊपर छिड़क देंगे एंड दैट्स इट, ये रेडी है बिल्कुल। जी तो ये रहा हमारा बहुत ही मज़े का ओरियो मिल्क शेक। बच्चों को और बड़ों को सबको ही दे, सबको ही ये पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी।